हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग में भी जो न्यू टॉपिक इंक्लूड किया गया है इस साल, एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, इन द एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी फर्स्ट जो क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैच द प्रोटीन्स इन द ग्रुप वन, कि ग्रुप वन में प्रोटीन्स दे गए एंड सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रुप टू। सो सेलुलर प्रोसेस दे गिवन इन द ग्रुप टू। सो फर्स्ट P53 प्रोटीन इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो P53 पुमा नोक्सा को एक्टिवेट करता है कि जिससे एपोप्टोसिस एक्टिवेट होता है। सो P2 होना चाहिए, करेक्ट। देन सेकेंड लाइसोजाइम इट इज प्ले मेजर रोल इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ओके। सो Q3 होना चाहिए। देन ट्यूबुलिन्स दे आर प्ले मेजर रोल इन द क्रोमोजोम सेग्रीगेशन, सो R4 होना चाहिए। एंड हिस्टोन्स दे प्ले मेजर रोल इन द DNA पैकेजिंग, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। सो S1 होना चाहिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज द D। देखिए कितने सिंपल पैटर्न का, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ओनली कुछ प्रोटीन्स एंड उसके प्रोसेसेस के, जो भी कुछ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है वो क्वेश्चन में पूछा गया था। सो देयरफॉर D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन सेकेंड, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिपिकल एपोप्टोटिक सेल। तो एपोप्टोटिक सेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है इनमें कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है ये पूछे। तो एपोप्टोटिक सेल्स के प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसके लिए। अभी एपोप्टोटिक सेल्स की जो प्रॉपर्टीज है, फॉस्फेटिडिल सेल इज प्रेजेंट ऑन आउटर सेल सर्फेस, करेक्ट। जो भी एपोप्टोटिक सेल होती है उस एपोप्टोटिक सेल्स में PS आउटसाइड फ्लिप हो जाता है। सो दिस इज PS एंड दिस इज एपोप्टोटिक सेल। तो एपोप्टोटिक सेल्स में PS आउटसाइड फ्लिप होता है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन साइटोक्रोम सी रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, सो करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एपोप्टोसिस में कुछ चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, इसे हम बैट एंड बैक्स बोलते हैं, कि जिससे साइटोक्रोम सी आउटसाइड रिलीज होता है साइटोसोल में। सो दिस इज साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी आउटसाइड आना, साइटोसोल में आना, दैट इज द मेजर प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस, कि उससे एपोप्टोसिस एक्टिवेट होता है। बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट चेंज, अभी ये गलत है, क्योंकि अगर साइटोक्रोम सी बाहर आएगा ETC स्टॉप फंक्शनिंग। तो यहाँ पे ETC स्टॉप फंक्शनिंग, एंड अगर ETC फंक्शनिंग स्टॉप होगी तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज चेंज, क्योंकि साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेंबर है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एंड अगर साइटोक्रोम सी नहीं रहेगा, साइटोक्रोम सी अगर साइटोसोल में जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये गलत है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। एंड एनेक्सिन 5 बाइंड्स टू सेल सरफेस, करेक्ट है। एनेक्सिन 5 फॉस्फेटिडिल सेरिन को बाइंड होता है, तो ये करेक्ट है। सो इनकरेक्ट पूछा है हमें, इसलिए सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज चेंज ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस। देन अभी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट, एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज बाय, अभी एपोप्टोसिस हाउ इट इज कैरेक्टराइज। तो एपोप्टोसिस इट्स नॉट अ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल सेल डेथ, कि जो इंजुरी की वजह से होती है, ट्रॉमा की वजह से होती है। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ, कि ये प्रोग्राम मैनर में होती है एंड स्पेसिफिक सेल्स दे आर इलिमिनेटेड, एंड वो भी सेल्स की जाए आइदर वो वायरस इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आइदर उनमें DNA डैमेज हो सकता है, और आइदर वो जो सेल्स होंगे मेटामॉर्फोसिस में हो सकते हैं, कि जो इलिमिनेट किए जाएंगे। तो प्रोग्राम सेल डेथ स्पेसिफिक सेल्स में होता है,
जो सेल्स को ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिलते उन सेल्स में होता है, तो ये प्रोग्राम मैनर में किया जाता है। सो जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ में, देखिए कोई भी नॉर्मल सेल व्हेन इट एंटर इनटू द एपोप्टोसिस, तो उसके मेम्ब्रेन ब्लेबिंग्स होते हैं। देन मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होने के बाद मेम्ब्रेन ब्लेब फॉर्मेशन होते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोसिस किया जाता है एंड उसके बाद उसको फैगोसाइटिक सेल्स डाइजेस्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ। एंड देयर फोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट है, एपोप्टोसिस को ही हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। सो ये हो गए क्वेश्चंस ऑफ द सेल सिग्नलिंग, एपोप्टोसिस एंड ऑटोवैगी टॉपिक। सो थैंक यू।